हेलो फूडीज, फूड फॉर फूडीज में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट सॉस या चॉकलेट सिरप। अभी आने वाले एपिसोड में आपको सिजलिंग ब्राउनी, चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपीज मिलने वाली हैं, तो आप बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस एपिसोड में हम बनाएंगे, जैसे कि मैंने बताया, चॉकलेट सॉस, जो कि बनाना घर में बहुत ही आसान है। वैसे तो बहुत सारी चॉकलेट सॉस मार्केट में अवेलेबल है जो आप लेके यूज कर सकते हैं, पर जो सॉस हम घर में बनाएंगे, ट्रस्ट मी, दैट इज वे वे फार बेटर देन जो मार्केट में अवेलेबल होता है। ये चॉकलेट सॉस बहुत ही टेस्टी और बहुत इजीली बन जाता है, इसमें ज्यादा हैसल नहीं है। तो आइए फटाफट देखते हैं हमें चॉकलेट सॉस कैसे बनाना है। चॉकलेट सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप पानी, इसमें डालेंगे हम 1/2 कप चीनी। इसे हम उबाल लेंगे ताकि इसमें चीनी अच्छे से पिघल जाए। अब हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर। यहाँ पे मैंने अनस्वीटेंड कोको पाउडर का यूज किया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के लिए मैं वायर वेस का यूज कर रही हूँ ताकि इसमें कोई भी लंप ना रहे। अब हम डालेंगे वैनिला एसेंस और थोड़ा सा बटर, इससे इस पे बहुत ही बढ़िया ग्लेज आएगा। हम इसे भी मिक्स कर देंगे। अब लास्ट में हम इसमें डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच कंडेंस मिल्क। इससे इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ, बहुत ही क्रीमी हो जाता है। इसको हम 1 उबाल आने तक पकाएंगे और गैस को बंद कर देंगे। अभी इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही थिन है, 5 मिनट रख के ये अपनी प्रॉपर कंसिस्टेंसी अटेन कर लेगी। और ये देखिए बहुत ही थिक और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर की हो गई है। अब हम इसे किसी भी डेजर्ट पे यूज कर सकते हैं। आज मैं इसे सिजलिंग ब्राउनी पे डाल रही हूँ, जिसकी रेसिपी आपको आने वाले वीडियो में मिलेगी। देखिए, आप इंग्रेडिएंट की लिस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। यकीन मानिए, ये बाजार वाली सॉस से भी बहुत अच्छी बनती है। तो आप इसे बनाइए और अपनी फीडबैक्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। बाय बाय।